बीच एक बड़ी खबर, यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर। यूपी में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है और कांवड़ यात्रा रद्द की गई, कांवड़ संघ ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है और यूपी सरकार से बातचीत के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले यूपी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि ये कांवड़ यात्रा कराई जाएगी। इस पूरे मामले का संज्ञान स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया था, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस कांवड़ यात्रा को इस साल के लिए रद्द कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया और इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा, ऐसा संघ की तरफ से कहा गया है। तो यूपी सरकार से बातचीत के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, इस पर सवाल खड़े किए थे और इस पर फैसला लेने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया था और इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, जिसके बाद आज एक बड़ा फैसला लिया गया। देखिए, बिल्कुल, राज्य सरकार की तरफ से निर्णय ले लिया गया है कि इस बार कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। हालांकि कल तक ये इस बात की तैयारी कर रही थी यूपी सरकार की सांकेतिक रूप से ही कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, उसके लिए तमाम हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में देने की तैयारी थी। सोमवार को कोर्ट को बताना था, सोमवार तक का समय था कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। लेकिन कांवड़ संघों से बातचीत हुई, तमाम धार्मिक संगठनों से बात हुई और सबने इस तरफ इशारा किया है कि अगर इस बार कोरोना के चलते यात्रा नहीं हो सकती है तो फिर कोई बात नहीं है। जनहित का हवाला देते हुए कांवड़ संघों ने भी अपनी सहमति दी है। तो ऐसे में राज्य सरकार ने अब कह दिया है कि कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को इस बाबत इत्तला भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक।